हेलो स्टूडेंट, आज आप देखिए कुछ न्यूमेरिकल हम लोग बना रहे हैं। कल जो फॉर्मूला 3 आपको लिखाए थे, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT² और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AS, ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है इस पे आज हम एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, तो मान लीजिए कि एक बाइसिकल है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ये बाइसिकल इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 किलोमीटर पर आवर टू 15 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड। अगर कोई गाड़ी वेलोसिटी इतना से इतना कर लेता है 6 सेकेंड में, तो इसका एक्सीलरेशन क्या है? तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी यू जो 10 किलोमीटर पर आवर है, और फाइनल वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर टाइम 6 सेकेंड। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आया है, इसमें आप वी यू और टी रख दीजिए। तो वी हो गया, ये वी 15 है, 15, और ये 10 इसमें माइनस हो गया, 15 - 10 5 आ गया, और 1 × 6 है इधर, यानी 15 में से 10 गया तो 5 इक्वल टू ए इंटू 6। तो अब ए निकालना है, तो 15/6 हो जाएगा, यानी कि इतना किलोमीटर पर आवर इसका एक्सीलरेशन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, ए बुलेट हिट ए वॉल विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड पोटेंशियल पिनेट्रेट हिट अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, और उसमें 5 सेंटीमीटर अंदर जाता है। मान लीजिए जैसे कि इसमें दीवार है, इसमें हम लोग इस दीवार पे मारे, तो ये कुछ दूर अंदर जाएगा, तो ये 5 सेंटीमीटर दस गया। ठीक है, तो फाइंड द डिसेलरेशन फाइंड करना है। देखिए, जब बुलेट हिट किया दीवार को, तो उस समय उसका 20 मीटर पर सेकेंड था, और जब 5 सेंटीमीटर अंदर चला गया तब वो रुक गया, यानी कि जब रुक गया तो उसका वेलोसिटी 0 हो गया, यानी शुरू में उसका वेलोसिटी 20 था जब दीवार को हिट कर रहा है। तो यू इक्वल टू हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड लेंगे, और डिस्टेंस चूँकि 20 मीटर पर सेकेंड से हिट किया, उसके बाद 5 सेंटीमीटर वो अंदर गया, तो डिस्टेंस जो हो गया हम लोग 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। एस इक्वल टू, और ये जो है इसको सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए। और वी इक्वल टू हम लोग 0 लेंगे। वी क्यों 0 लेंगे? क्योंकि आपको जो है ये 5 सेंटीमीटर जाने के बाद रुक जाता है, यानी वेलोसिटी 0 हो गया उस समय। अब आप इस फॉर्मूला में रख लीजिए, देखिए आपको ए निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। डिसेलरेशन कब होता है? जब स्पीड घट रहा हो, और एक्सेलरेशन कब होता है? जब स्पीड बढ़ रहा हो। तो पहले तो यहाँ पे जब हीट किया, तो उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ स्पीड, यानी कि डिसेलरेट हुआ। तो वो डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन दोनों के लिए आप लोग ए ही लेंगे। डिसेलरेशन में ए निगेटिव आता है, एक्सेलरेशन में पॉजिटिव आता है। तो आपको ये जो थर्ड वाला इक्वेशन था, उसमें भी है, यू है, एस है, सारे को रख दीजिए, सभी को रख देंगे, भी है, यू है और एस है, तो रख दिया। मान लीजिए भी तो 0 है, 20 u² 20² यानी 20 × 20 2 × a, और एस है आपको 5/100। अब आप यहाँ पे देखिए, 20 ये 0 है, 20 × 20 - 400। अच्छा, यहाँ पे 5 × 10 10 हो गया, 5 × 2 10 हो गया, 10/100, 10 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/10 आया, यानी a/10 हो गया। तो ये 10 जो है 100 से मल्टीप्लाई हो गया, 400 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 4000 हो गया, यानी a इक्वल टू आपको -4000 m/s² है ना। तो एक्सीलरेशन ये आ गया। अब देखो, दो इक्वेशन पे तो हम लोग बना लिए, अब तीसरा इक्वेशन बनना बचा है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन देखेंगे, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए स्टेशन एंड मूव विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है 2 मिनट तक। इफ इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, डिस्टेंस 40 मीटर इन दिस पीरियड, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना। देखिए, स्टार्ट हुआ यानी यू 0 था उस समय, 2 मिनट के बाद यानी टाइम 2 मिनट, इसको सेकंड में बदल लिए, और डिस्टेंस उसका 400 मीटर है, यानी एस हो गया 400। फाइंड एक्सीलरेशन ए निकालना है। तो आपको ये जो फॉर्मूला है, देखिए इसके हिसाब से आपको यू भी है, टी भी है, और
डिस्टेंस भी है, ये निकालना है। तो जितने इसमें एक दो तीन चार वेरिएबल है, तो चार वेरिएबल में तीन है ही, तो एस हम लोग 400 रख ली। यू जीरो है, जीरो इंटू ये 120 टाइम 20 सेकेंड, 120 सेकेंड इसको रख दिया। फिर 1/2 ए और टी स्क्वायर है, यानी 120 इंटू 120। देखिए यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा जीरो से गुना होके, टू से इसको कटा दीजिए, 60 इंटू 120। देखिए यहाँ थोड़ा मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया था, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। तो 12 इंटू 6 करिए, 72 दो जीरो दे देंगे, यानी 7200 इंटू ए। अब आपको ए निकालना है, तो 400 को ये 7200 से डिवाइड करेंगे, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से 72 कट जाएगा तो 18 आ जाएगा। ये 1/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका एक्सेलरेशन हो गया। इस तरह से हम आपको तीन क्वेश्चन बताएं, एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं जिसको आपको खुद अटेम्प्ट करना है, फिर दिक्कत होगी तो हम बताएंगे। थैंक यू।